देखिए आरती राव हमारे साथ मौजूद है जो अटेली विधानसभा बीजेपी की प्रत्याशी है। आरती जी क्या कहना चाहेंगे, जिसे काफी प्यार यहाँ रामबास वालों ने दिया है? हाँ जी, मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ रामबास वालों की। हमेशा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मेरे परिवार का साथ दिया है और मेरे को आशा है कि आने वाले वक्त में भी वो मेरे साथ ही खड़े रहेंगे। आरती, जैसे यहाँ पे अटेली विधानसभा ही योजना, क्योंकि आपके पापा जब लोकसभा में थे तो काफी अच्छे अच्छे जगह से जीत के आए थे, तो अटेली ही क्यों चुना आपने? जी सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि 2009 के डिलिमिटेशन के बाद क्या हुआ कि महेंद्रगढ़ जिला हमसे हट गया और गुड़गांव मेवात बन गया। तो 15 सालों से हमारे हृदय में कोई दूरी नहीं आई, मगर ज़रूर हमारे जो अटेंशन में थी उसमें दूरी आई, क्योंकि साहब का अटेंशन गुड़गांव में ज़्यादा लगा, महेंद्रगढ़ में कम। और पिछले 5-7 सालों से मुझे लग रहा था कि हम जितना समय हमें बिताना चाहिए महेंद्रगढ़ ज़िले में हम बिता नहीं पा रहे थे। तो 2018 में मैंने ठानी थी कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय महेंद्रगढ़ ज़िले में ही बताऊंगी और इसका आपको नहीं पटेली ही नहीं सब मैं बता रही थी। और सबसे ज़्यादा प्यार और मुझे लगा कि अटेली को मेरी ज़रूरत है और मुझे अटेली की, तो आज के दिन मैं अटेली से लड़ रही हूँ जी। ये हमने जैसे सुना है कि आपके पापा अब भी लोगों के दिलों में जगह बना के रखे हैं, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है आपके पापा के अंदर? जी ये तो लोगों से पूछना चाहिए, मगर माय फादर, अंग्रेजी में बोलूँ मेरे पिताजी कुछ ज़्यादा कहते नहीं हैं, वो करने में विश्वास करते हैं और बहुत ही डिग्निफाइड पॉलिटिशियन है, लोगों को नीचा नहीं दिखाते, वो काम करने में ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और ये नहीं कि वो, जैसे मोदी जी ने भी कहा था कि वो बात कम करते हैं और काम ज़्यादा, तो बिल्कुल और बहुत डिग्निटी के साथ करते हैं और तभी लोगों के दिलों में राज करते हैं मैं बोलूँगी, क्योंकि राव साहब जैसे नेता बहुत कम मिलते हैं। आरती जी, क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका चुनाव को लेकर? जी मैनिफेस्टो मेरे 3 चीज़ों पे ही मैनिफेस्टो मैं बना रही हूँ, मगर 3 चीज़ों में जो मेरा ज़ाती तौर पे बहुत करीबी है, वो एक तो मैं खेल विभाग से रही हूँ, 20 साल मैंने भारत का नेतृत्व किया है, तो मैं अपने युवा भाइयों के लिए एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहूँगी अटेली में, क्योंकि हमारे ज़िले में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ना महेंद्रगढ़ में ना रेवाड़ी में, कोई ज़िले में ऐसा कुछ नहीं है जो बेहतरीन हो, हमें ज़रूरत है, हमारे युवा बच्चों को ज़रूरत है। साथ साथ मैं अपने बेहतरीन कॉलेजेस लाना चाहूँगी, है कुछ कॉलेजेस हैं मगर जितनी ज़रूरत है जितनी की आवश्यकता है उतनी नहीं है, और हमारी बेटियों को लोग कतराते हैं बाहर भेजने के, उनकी एजुकेशन पूरी नहीं होती। चलो जी। और तीसरा चलो अस्पताल बेहतर हो, PHC जैसे हमने मेंशन किया बेहतरीन हो, उनका इक्विपमेंट, ये है मेरी। ओके जी, धन्यवाद। तो देखिए रामबास में हम मौजूद हैं और रामबास में काफी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पहले विधायक जी हैं जो सीताराम जी, उनसे थोड़ा सा जान लेते हैं किस तरह के क्या है। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे आरती राव का समर्थन और काफी रामबास वालों ने प्यार दिया है और आप भी कंधे से कंधा मिलाकर के जो है आरती राव के साथ सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से सभी श्रोताओं को नमस्कार। जो आप लोगों ने आरती राव जी के बारे में जो बातें पूछी, तो मैं, मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आरती राव को अटेली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उम्मीदवार बना के भेजा है, तो मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उस भारी बहुमत से उनको यहाँ से जिता कर भेजने का, क्योंकि मेरी नैतिक जिम्मेवारी है और हम वो सब लोगों का प्यार और स्नेह, हमें बहुत भारी संख्या में लोग उनकी बात को सुनने के लिए आ रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि वो भारी बहुमत से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, तो इंद्रजीत का भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि क्योंकि पुराने कार्यकर्ता काफ़ी हैं यहाँ पे, मैंने ताऊ जी से भी अभी इस भाषण में बताया था कि करीब 50 साल से जो व्यक्ति है वो इंद्रजीत के परिवार से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं अटेली विधानसभा और दक्षिणी हरियाणा पूरे में इंद्रजीत का दबदबा है आदमी। देखो पूरे इलाके में पहले जब आज तो घर घर में राजनीति करने वाले युवा साथी हो गए, पहले राव साहब का परिवार था और एक दो लोग और थे राजनीति में, और उस समय तो पूरे के पूरे गांव राव साहब के समर्थक होते थे और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आज भी और उनके परिवार भी लगातार राव साहब के परिवार से जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी 10 साल में बड़े जनहित के कार्य किए हैं। आज जो हरिवाल का क्षेत्र है इसमें भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी क्रेज बढ़ा है और यहाँ पर गरीब लोगों के काम भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस समय में बहुत ज़्यादा किए। बिल्कुल, तो देखिए रामबास के काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है सर, किस तरह का देखते हैं, किस तरह का भारी भरकम जो समर्थन देने वाले आरती जी के?
यहाँ पर 100% लोग आरती को समर्थन कर रहे हैं। रामबास और आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं, तब अच्छा है। यहाँ पर अटेली जो विधानसभा है उसमें ज्यादातर तो और नेताओं का ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आरती राव जी और इंद्रजीत का ही ज्यादा दबदबा है। इंद्रजीत ने काफी लंबे समय तक सेवा की थी, उसके बाद हमारे लोकप्रिय विधायक सीताराम ने भी अच्छी सेवा की है 5 साल, इससे लोग खुश हैं इनके कार्यकाल से, और इसलिए अब फिलहाल जो आरती ने टिकट मिली है यहाँ की अटेली की, तो बीजेपी से भी खुश हैं और साथ साथ से राम साहब से पहले से ही खुश थे लोग। बिल्कुल, तो पुराना है इनसे। और जिसमें सीताराम भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। अभी मेरे गाँव रामबास की तो 1987 का उदाहरण होता, तो हमें 60% पर्ची राव साहब को जाती है, और राव साहब का घरों गांव है, और मेरे गांव से एक एक बच्चा राव साहब के लिए। तो अटेली विधानसभा में जो है चौधरी धर्मवीर सिंह को भी काफी भारी भरकम वोटों से जिताया था यहाँ से। हाँ जी, ये राव साहब की जयंती, राव साहब दक्षिणी हरियाणा, राव साहब का बहुत बड़ा योगदान है, और सरकार बनाने में भी वो 2 बार कायम रहे। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ जी, यही है जी, दक्षिणी हरियाणा में तो हमारे इंद्रजीत का ही प्रभाव है, और रामबास गांव तो उसका यानी कि खास गांव है। खास गांव है। हाँ जी, तो और हमारे लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, और हमारे विधायक जी ने बहुत बढ़िया काम किए हैं, इसकी हम तारीफ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज हम रामबास गांव में मौजूद हैं, और रामबास गांव में जो है यहाँ पे आरती राव जी आई थी, और भारी भरकम जो है यहाँ से लोगों ने उनको समर्थन दिया है। लगातार जो है राव इंद्रजीत का ही गांव ये माने जाते हैं, अटेली हल्का और अटेली के आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र है, तकरीबन प्रभाव जो है राव इंद्रजीत का यहां पे दिखाई देता है। तो काफ़ी लोगों से बातचीत करी, और आरती राव और जो विधायक सीताराम है उनसे भी हमने बातचीत करी है। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइन के साथ। नमस्कार।